सो हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स बच। आई होप कि आप सभी लोगों का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। आप में से बहुत सारे बच्चे जो अभी अप्रैल अटेम्प्ट का एग्ज़ाम दिए हैं, उनके लगातार, जैसा कि आपको पता होगा कि मैं कल लाइव भी आया हुआ था, तो काफ़ी सारे बच्चों के ऐसे डाउट आ रहे हैं कि सर हमारा रिजल्ट आखिर कब आएगा। काफ़ी सारे बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि सर रिजल्ट यहाँ पे दिया गया है, अगर हम देखें गूगल को चेकआउट करें या फिर एनटीए की अगर हम ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वहाँ पे भी अगर देखें, तो आपका 25 अप्रैल ये डेट दिया गया है। उससे पहले आप लोग को और भी, जैसे कि जो एक कन्फ्यूजन चल रहा है, इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो काफ में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी होंगे यार जो नहीं जानते होंगे कि यार हमारा जो स्पेशली ये वाला बच्चे काफ़ी पूछ रहे थे कि सर हमें ये पीडीएफ कैसे मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये टॉप 10 NITs का, तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ये कल मैं लाइव सेशन ले रहा था, तो ये जो पीडीएफ है ये आपको हमारे स्टूडेंट्स बट टेलीग्राम चैनल, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 6,000 ऑलरेडी 600 स्टूडेंट है। जैसे ही यहाँ पे 7,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होगा आपको वो पीडीएफ मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा, तो फटाफट जाकर ज्वाइन कर लीजिए। साथ में जैसे ही आपकी लिंक एक्टिवेट होती है ये भी आपको वहां पे मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि अगर सबसे पहले बात करूँ तो ये जो डेट यहाँ पे दिया गया है, क्या इसी दिन आपका रिजल्ट आएगा? अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे तो जो आपके प्रोविजनल, अगर हम आंसर की को चैलेंज करने की बात करें, तो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट तो आ चुका है कि यार आपका जो आंसर की है ये क्लोज कर दिया गया है। अब आप लोग अपने आंसर की को चैलेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अपडेट भी यहाँ पे आपको लाल रेड कलर से देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आती है, अगर यहाँ पे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका डेट दिया गया था वो 12 से केवल और 14 अप्रैल 2 दिन के लिए दिया गया था, अगर आप देखेंगे यहाँ पे। और इस पे अगर हम यहाँ पे बात करें, थोड़ा सा आपको मैं पीछे ले जाऊँ अगर फरवरी अटेम्प्ट की, तो ये आप देख सकते हैं फरवरी अटेम्प्ट का ये नोटिस है, जहाँ पे आपका जो चैलेंज करने की जो डेट दिया गया था ये आपको 7 से रिवाइज करने के बाद डेट आपका 9 फरवरी तक दिया गया था, और आपका जो रिजल्ट है वो आपका 12 तारीख को रिलीज कर दिया गया था। अगर आप देखेंगे टोटल तो 11,17,000 स्टूडेंट 70,000 स्टूडेंट अपियर किए थे, 12,21,000 टोटल यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ था। लेकिन बात आती है यहाँ पे कि हमारा अप्रैल अटेम्प्ट के लिए आखिर क्या चीज़ें होने वाली है। तो देखो, सबसे पहले जो आपका डेट था ये पहले डेट आपका रिवाइज कर दिया गया है। जो पहले आपका डेट था यार ये 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में होने वाला था, बट आपको पता है कि आपका एग्जाम 9 अप्रैल को ही खत्म हो गया था, और बी आर्क वालों का जो बी प्लानिंग का था वो आपका 12 अप्रैल को हुआ था, और आपका जो प्रोविजनल आंसर की है वो भी आपका ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। तो यस, अगर यहाँ पे हम देखें और पिछले सालों की भी बात करें यार, तो जनरली एनटीए यही होता है, जब आपका प्रोविजनल आंसर की आ जाता है उसके 3 से 4 दिन बाद आपका वो अपना फाइनल आंसर की रिलीज करते हैं। उसके साथ अब जितना भी उसमें बोनस मार्क्स वगैरह है वो सारा चीज आपको मिल जाएगा उसी के अंदर। एंड अगर ये डेट की बात करें तो यार ये बिल्कुल भी, मतलब मुझे तो नहीं लगता यार इतना डिले करेगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा डिले हो जा रही है और ये पहले की चीज रिलीज की गई थी। ठीक है, तो ऑफिशियल अगर एनटीए के वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे भी आपको मे भी, मतलब ये कभी भी आ जाएगा, और जब भी आएगा आपका वो रात में आएगा मोस्टली चांसेस रहेगा, या फिर 9 PM के बाद ही एनटीए रिलीज करता है, इवनिंग में ही रिलीज करेगा। बात आती है कि हम अपने रिजल्ट को कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे सिंपली ये जो लिंक है ये आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगा। जैसे ही आपका आ जाएगा तो कमेंट में मैं पिन कर देता हूँ, जाके व्हाट्सएप ग्रुप फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, और साथ में टेलीग्राम चैनल जो हमारा ऑफिशियल है उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे ऑलरेडी 6,000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ से फायदा होने वाला है, जो भी फर्दर अपडेट्स काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपका आएगा। साथ में ये जो आपको PDF है ये भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, टॉप 10 NITs का, यहाँ पे सारे जनरल EWS, साथ में आपकी जो AKTU काउंसलिंग है, UPTU काउंसलिंग है, जोसा काउंसलिंग एंड फर्दर UTU काउंसलिंग, बहुत सारे काउंसलिंग का भी आपको चीज़ें मिलती रहेंगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर आपको रैंक कैलकुलेट करना तो यहाँ पे आप अपना जो अपीयर्ड कैंडिडेट है ये यहाँ पे आप अपना मल्टीप्लाई करके 100 में से जो आपके परसेंटाइल आ रहे हैं उसको माइनस करिए, डिवाइड करिए 100 से, एंड यहाँ पे अपीयर्ड कैंडिडेट जो भी पर्टिकुलर रहेंगे, ये तो मैंने लगभग यार ऐसे ही एक्सपेक्टेड लिखा था जनवरी अटेम्प्ट का, बट इस बार का जो रहेगा अपीयर्ड चूंकि कैंडिडेट होंगे उन्हीं का केवल रैंक आएगा, तो यहाँ पे आप उसका मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यहाँ से आप डिवाइड करके आपका CRDL रैंक आ जाएगा। और ये मैंने आप लोग को बता दिया। तो मोस्टली अगर देखें यहाँ पे रिजल्ट आपके कब तक आने के पॉसिबिलिटीज हैं, तो रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटीज जो ज़्यादातर टाइम है यार वो इस वीक मैक्सिमम से मैक्सिमम आई थिंक आउट हो जाना चाहिए, क्योंकि 27 अप्रैल से आपका JEE एडवांस का रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट होगा 2024 के लिए, जो कि 7 मई तक चलेगा। तो 7 मई लास्ट डेट होने वाली है JEE एडवांस रजिस्ट्रेशन के, 27 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा।
तो चांसेस यही है कि आपका जैसे ही आएगा, फर्दर आप में से काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर आपकी काउंसलिंग इस साल के लिए लॉन्च होगा या फिर नहीं, यस डेफिनेटली लॉन्च होगा, बट वो यार अभी आपका रिजल्ट आ जाने के बाद ही लॉन्च होगा। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और भी चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे SBTU का भी ऑलरेडी बना रखा है, AKTU काउंसलिंग की जो प्लेलिस्ट है, या फिर जेई मेन का, ये आप देख सकते हो। अगर आप 2023 का चाहते हो, उत्तराखंड काउंसलिंग होता है जेई मेन के थ्रू, उसके भी बहुत सारे आपको कॉलेज मिल जाते हैं उत्तराखंड के साथ साथ, उत्तर प्रदेश AKTU UPTU काउंसलिंग जो होती है, 2022 का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जोसा काउंसलिंग है उसकी भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो जाकर आप चैनल पे सारी वीडियोस को देख लेना जल्दी जल्दी, एंड मैं डिस्क्रिप्शन में भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस को डाल दूंगा, तो वहां से भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आप लोग को मैंने AKTU काउंसलिंग में या फिर बहुत सारे काउंसलिंग एंड कट ऑफ का ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है, तो आप लोग जाकर उसको अच्छे से देखते रहिए। बाकी ये PDF जो है यार, PDF आपको हमारे स्टूडेंट्स बस टेलीग्राम चैनल पे आप सभी लोगों को मिल जाएगा, तो जाकर आप लोग वहाँ पे इसको अच्छे से देख पाएंगे एंड वहाँ से आप इसको फ्रीली डाउनलोड कर पाएंगे। बट वहाँ पे टारगेट यही है कि यार 6,000, मतलब अभी हैं 600, तो कम से कम 7,000 आप लोग जल्दी से करा देना। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।